हाय फ्रेंड, कंप्यूटर सीखो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है कंप्यूटर सीखो, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि हमारे मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है मैं अपने चैनल में सॉल्व करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट जो है नॉर्वे वीज़ा से रिलेटेड है। अगर आप जो है नॉर्वे में वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वर्किंग टूरिस्ट या किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे जो है आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो अगर आपको कैसे उसको अप्लाई करते हैं। अगर आप जो है यूरोप कंट्रीज में रहते हैं तो आपके लिए वहाँ के लिए ईजी है। अगर आप यूरोप कंट्रीज में नहीं भी रहते हैं फिर भी जो है आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो आज अपने इस वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है ना। तो अगर ये आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जो है लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले बता दूंगा दोस्तों, इससे जो व्यूवर्स अटैच हैं मेरे, जो भी उनकी क्वेश्चन क्यूरी होती है मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो मैं जो हूँ क्या करता हूँ वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनके क्वेश्चन का उनको रिप्लाई मिल जाता है और उनकी जो भी क्यूरी होती है मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो सॉल्व हो जाती है। वैसे आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी आशंका मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो तो आप बेझिझक क्या करें, देखिएगा मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज अपलोड करता हूँ वो आप तक इजीली में मिल जाएगी और आपको उसका काफ़ी फायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको काफ़ी फायदा होगा और काफ़ी चीज़ें जो आपको सीखने की मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं कैसे जो है नॉर्वे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मैं बता दूंगा कि वो जो है वेबसाइट जो है वो UDI है। UDI एक तरह की वहाँ की जो है एक तरीके की जिसको आप बोल सकते हैं वहाँ का पार्लियामेंट होती है, जैसे हमारे यहाँ की पार्लियामेंट होती है ऐसे वहाँ की जो है पार्लियामेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। वो लोग जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके जो है मैं अभी तीन चार चीज़ें बताऊंगा जो उनकी कंडीशन होती है, वो कंडीशन जो है अगर आपकी मैच करती है तो आप जो है ईजी वे में जो है नॉर्वे की जो है वीज़ा जो है प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्वे एक जो है बहुत खुशहाल कंट्री है, यूरोप के जो है सबसे ऊपर है ये, और यूरोप में अगर आप रहते हैं तो ईजी है आपके लिए। लेकिन अगर आप जो है यूरोप में नहीं है, बाहर हैं और कहीं, तो आप मैं यही बोलूंगा कि आप जो है मेरी जो वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया है कि कैसे जो है आप यूरोप की, जैसे कि आप आयरलैंड या जो है जर्मनी के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ पहुँच के ईजी वे में फिर वहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से जो है इमिग्रेशन हो सकते हैं नॉर्वे को। तो वो कैसे करते हैं देखिए मैं बता दूंगा। एक वेबसाइट है, आपको वेबसाइट खोलनी है, देखिए UDI.com, ठीक है, UDI लिख दिया मस्कार। जैसे ही UDI लिखेंगे तो देखिएगा ये देखिएगा UDI.com है, ये वांट टू अप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अपने क्या करें, अपना सिटीजनशिप, आपको वहाँ की एक सिटीजनशिप मिलती है जो कि आपकी जो है सिटीजनशिप कार्ड नंबर होता है, वो आप यहाँ डालें इधर, ठीक है। बाद में इसको चूज कर दें इधर से, ठीक है। जैसे कि मैं किसी मतलब कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका वहाँ पर, अगर इस तरीके का एक कार्ड वो नंबर मिलता है वो आप इधर जो है डाल सकते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। और वो जो कार्ड नंबर होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं यहीं से इजी वे में, ठीक है ना। और इसको अगर आपको वैसा अप्लाई करना है कि कोई इसको इस तरीके से देखे ही नहीं, तो आप जो है इसको ये देखिएगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो ये कार्ड नंबर मेरे पास अभी तो किसी का है नहीं है, यहाँ पे जो है अगर मैं, अगर आपका है, अगर आप यूरोप में रहते हैं तो यहाँ पर अपना जो है क्या करेंगे आप इधर जो है अपना डाल सकते हैं इधर नंबर वो, ठीक है ना। बाद में इसको जो है इधर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और इधर भी इसकी बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर UAF नेशनल, यहाँ पे आप किसके लिए करना चाहते हैं, स्टडी के लिए, लाइव इन यूरो और नॉर्वे, वर्क किसके लिए आप जो अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क के लिए करना चाहते हैं, तो देखिए आपको क्या करना होगा, आप इधर को जो है अपना एप्लीकेशन, सारी चीजों में कंडीशन ये है कि आपको जो है इधर क्या करना पड़ेगा, आपको इधर अपना जो है जो सिटीजन कार्ड होता है वहाँ का, जो यूरोप में आप किसी भी कंट्रीज में रहते हैं तो वहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं, ठीक है ना।
और अगर आप यूरोप में अगर इस तरीके से नहीं है और कहीं पर है तो आप मेरी वो वीडियो जरूर देखें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो कि आप जर्मनी या आयरलैंड या जो यूके वगैरह जाना चाहते हैं तो वो जो है कैसे जो है वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो है मेरी वीडियो देखें जिससे कि आपको ईजी होगा नॉर्वे जाना, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मुझे बता देना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। ये नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो जो है मैं अपने कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिएगा मैं बता दूंगा इनकी जी क्या क्या कंडीशन होती है। जब इधर आप अपना एक सिटीजनशिप कार्ड ये डाल देंगे नंबर इधर, तो यहाँ पे इसको चूज कर लें। बाद में देखिएगा उनके पास आपका एप्लीकेशन ये जो पहुंच जाएगी जो फॉर्म होगा, उसके बाद जो है आपको क्या क्या चीजें जो चाहिए रहती है इनके लिए। एक तो आपको चाहिए इधर देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पहले तो आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे UDI में, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट चेक होंगे, अगर आपको उसके अकॉर्डिंग होंगे तो आपको जो है वहां का वीजा मिल जाएगा। दूसरी चीज है वहां की जो जो कैंडिडेट्स होंगे वो आपका इंटरव्यू होगा उधर UDI में, ठीक है। जो वहां की पार्लियामेंट होती है एक तरीके की, वहीं पर आपको बुलाया जाएगा। जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए तो बाद में जो है जब नॉर्वे की जो UDI होगी वो हर जैसे यूरोप की कंट्रीज में अलग अलग जो है होती है वहां पर UDI, तो वहां पर आपका जो है मतलब एम्बेसी एक तरीके की जिसको आप एम्बेसी बोल सकते हैं, तो वहां पर आपका क्या होगा, आपका जो है एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसमें आपसे जो है पुलिस चेकअप भी होगा कि आपके जो है कोई पुलिस केस तो नहीं है अगर नॉर्वे के लिए अगर इस तरीके से अप्लाई किया है आपने, ठीक है। तो ये दो चीजें इस तरीके की होंगी। बाद में जो भी आपकी कंपनी होगी वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगी, और वो ऑफर लेटर आपको साइन करके और वो कंपनी को दे देना है। कंपनी में वर्क के लिए तो ये है, और स्टडी के लिए भी यही है कि स्टडी के लिए जिस इंस्टीट्यूट के लिए भी आपने जो अप्लाई किया है तो वहां से जो है आपको एक लेटर मिलेगा, उस लेटर पर आपको साइन करना है कि आपको कोई पुलिस केस तो नहीं है और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, आप उसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए मतलब योग्य है आप, एबल है कि नहीं है, वो चीज उसमें देखी जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आप ये करेंगे तो आपको जो है इजी वे में नॉर्वे का जो है वीजा मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये UDI पर अप्लाई करने के लिए मैंने बताया कि अगर आप जो है जैसे कि इस तरीके से जो ये सिटीजन कार्ड है ये आपको डाल नहीं डालना है इधर, ये जो आपके पास जो वहां से एक कार्ड मिलता है उस पर नंबर होता है वो इधर डालना है, ठीक है ना। उसके बाद ये आप इसे चूज करके आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं इधर से। और इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बेझिझक जो है आप मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर में उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो यूरोप में नहीं रहते हैं आप तो आप जो है मेरी वो वीडियो जरूर देखेंगे कैसे जो है यूके के लिए और जो है आयरलैंड के लिए जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप वीजा के लिए, जिससे कि आप वहाँ पहुंच करके नॉर्वे के लिए इजी हो जाए आपका जाना। नॉर्वे एक बहुत खुशहाल कंट्री है जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ जा करके आप जो है बहुत पैसा कमा सकते हैं जिसकी आप जो है एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो आई होप का आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, पसंद आए तो शेयर करो। इसमें कुछ भी आपको समझ में ना आए तो बेझिझक जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या नीचे देखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज अपलोड करता हूँ वो आप तक चीजें में मिल जाएगी और आपको उसका काफ़ी फायदा होगा। आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों जिससे कि आपको काफी फायदा होगा और काफी चीजें जो आपको सीखने की मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मैं और वीडियो आपके सामने रखूंगा, जैसे रखूंगा मिल जाएंगे आपको दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।